अपनी उच्च सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में विकास की नई विरासत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रही है। यहाँ का लातूर जिला सोयाबीन के उत्पादन के लिए पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन पूरे महाराष्ट्र से ज्यादा होता है। इसके लिए उत्तम सड़कों से रोजगार और बेहतर आमदनी का सृजन होता है। कोंकण के रत्नागिरी और विदर्भ के नागपुर को हाल ही में महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाओं से जोड़ा गया है। उसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजमार्ग के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण होना न केवल शहरों बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी वरदान साबित हुआ है। विकास की इस गंगा से इस क्षेत्र को सींचने के लिए माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अपनी दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम के साथ प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में नांदेड़ से लातूर तक के लिए माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से 6 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 का शिलान्यास होने जा रहा है। जिन परियोजनाओं को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया जा रहा है उनमें 1,572 करोड़ रुपए की लागत से NH 361 पर औसा चाकुर सेक्शन में 58.51 किलोमीटर लंबी सड़क का 4 लेन में चौपदीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। NH 361 पर ही 2,023 करोड़ रुपए की लागत से चाकुर लोहा सेक्शन में 73.35 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन में चौपदीकरण का काम पूरा किया गया है। इससे महाराष्ट्र के 2 अहम क्षेत्रों मराठवाड़ा और विदर्भ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बन जाएगी। उसी तरह 82 करोड़ रुपए की लागत से NH 63 पर आस्टा मोड़ से आस्टा और टिवटग्याल से मलकापुर के बीच 5.82 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। जिन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है उनमें 752 के कोपरा घरोला सेक्शन पर 139 करोड़ रुपए की लागत से 26 किलोमीटर लंबी सड़क का 2 लेन में उन्नयन और पुनर्वास का काम होने जा रहा है। वहीं NH 63 पर ही खारोला पाटी से बामनी रोड पर 35 करोड़ रुपए की लागत से 6.4 किलोमीटर लंबी सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 और 4 लेन में उन्नयन और पुनर्वास का काम होगा। उसी तरह 95 करोड़ रुपए की लागत से NH 63 पर बोरगांव काले से मुरुड़ अकोला और एयरपोर्ट जंक्शन से महिला तंत्र निकेतन सेक्शन तक 19.5 किलोमीटर लंबी सड़क के उन्नयन और पुनर्वास का काम पूरा होगा। इन राजमार्गों और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के विकास से मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में लोगों की आवाजाही काफी सुगम हो जाएगी। इससे आम लोगों का समय और ईंधन तो बचेगा ही, प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। साथ ही माहुर शक्ति पीठ से लेकर नांदेड़ के गुरुद्वारे और तुलजा भवानी मंदिर, तुलजापुर जैसे धार्मिक तीर्थ स्थलों तक पहुँचना और भी आसान हो जाएगा। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की जमीनी सोच का नतीजा है कि इस क्षेत्र को केवल सड़कें ही नहीं मिल रही हैं, बल्कि एक गुणवत्तापूर्ण जीवन भी मिल रहा है और उसके लिए विकास के नए नए द्वार भी खुल रहे हैं।